दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोक्विन, आपका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड है सिक्स सेम में बी फार्म के, आपका जो एंटीबायोटिक यूनिट है सेकंड, उसमें जो क्विनोलिन डेरिवेटिव है मतलब क्लिनोलिन जो टॉपिक दिया गया है उसमें क्लोरोक्विन है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन और इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। क्लोरोक्विन का इसका अभिप्रैक नेम है 7-क्लोरो-4-4-डाईइथिल अमाइनो 1-मिथिल ब्यूटिल अमाइनो क्विनोलोन क्विनोलिन इसका नाम है अभिप्रैक। तो चलिए सिंथेसिस देखने दें। तो ये सिंथेसिस में आपको 3 स्टेप्स है मतलब फर्स्ट स्टेप्स प्लस सेकंड स्टेप्स इज इक्वल टू थर्ड स्टेप्स। जब आप फर्स्ट स्टेप करेंगे तब आपको अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, सेकंड करेंगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, उसको कॉम्बिनेशन करके मतलब एडिशन कंडेंसेशन करके आपको स्टेप्स थर्ड में आपको क्लोरोक्विन ही मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ 4-7-डाईक्लोरोक्विनोलिन आपको फॉर्म करना है। तो चलिए फॉर्म कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले हमें एम क्लोरो एनिलिन लेना है मतलब मेटापोजिशन का क्लोरीन है और NH2 ग्रुप बेंजीन को है इसलिए एनिलिन, और इसके साथ हमें एडिशन करना है डाइथिल टू ऑक्सो सक्सिनेट के साथ। तो डाइथिल टू ऑक्सो सक्सिनेट ऐड करना है, ऐड करने के बाद यहाँ का H2 और यहाँ का O ऐसा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के हमें मॉलिक्यूल मिल जाएगा। देखिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और हमें मॉलिक्यूल मिल गया, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ डायरेक्ट एन लगा है, यहाँ का H2 और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो इसका ना और इसके ये जो मॉइटी मिल गई है उसके साथ हमें साइक्लाइजेशन करना है 250 डिग्री सेल्सियस के साथ, और C2H5OH मतलब इथिल अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। ये देखिए CH2 C2H5O और यहाँ जो बेंजीन रिंग को हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन होते हैं तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और हमें C2H5OH ऐसा बाहर निकल जाएगा और हमें हमारा मॉलिक्यूल मिल जाएगा और रिंग यहाँ अटैच हो जाएगी। तो इसका नाम है इथिल इस्टर ऑफ 7-क्लोरो-4-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन-3-कार्बोक्सिलिक एसिड 3-कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। तो इसके बाद में हमें इसके साथ वाटर का एडिशन करना है, वाटर का एडिशन करने के बाद हमें CO2 बाहर निकल जाएगा, ये जो CO2 है C डबल बॉन्ड OAA बाहर निकल जाएगा और इसके साथ साथ ही C2H5OH भी बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन जो हमारा वाटर ऐड हुआ है उसकी वजह से यहाँ OH ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा और C2H5 बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ कुछ भी ऐड नहीं है, यहाँ का C डबल बॉन्ड O भी बाहर निकल गया और C2H5 भी बाहर निकल गया। तो इसका नाम है 7-क्लोरो-4-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। तो इसके बाद में हमें P0Cl2 के साथ ऐड करना है और हमें हमारा मॉलिक्यूल मिल जाएगा जो हमारे फर्स्ट स्टेप्स में फॉर्म होना था, 4-7-डाईक्लोरोक्विनोलिन हमें ये मिल गया। तो यह फर्स्ट स्टेप्स, अब हम सेकंड स्टेप लेंगे। सेकंड स्टेप में आपको प्रिपरेशन ऑफ 1-डाईइथिल-अमाइनो-4-अमाइनो-पेंटेन ये फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म होता है, इथिलीन ऑक्साइड लेना है एडिशन विद डाईइथिल-अमाइन, डोइथिल अमाइन है NH ग्रुप इसलिए अमाइन। तो यहाँ क्या होता है रिंग खुल ओपन हो जाती है, रिंग ऐसी ओपन हो जाती है और यहाँ का एक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को अटैच होके यहाँ CH2 बन जाता है, CH2 CH2 CH2, और ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये इस कार्बन को अटैच हो जाता है। देखिए सिंपली कुछ नहीं हुआ यहाँ, इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी-डाईइथिल-अमाइन। 2-हाइड्रोक्सी मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है टू पोजीशन पर, 1-2 पोजीशन, और हाइड्रोक्सी ग्रुप है डाइथिल मतलब दो इथिल ग्रुप है C2H5 C2H5 अमाइन, ये अमाइन है। तो यहाँ रिंग सिर्फ ओपन हुई है और ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को अटैच हुआ है, देखिए अटैच हुआ है CH2 CH2, अरे जो मैंने बताया कि ये सी कार्बन को नाइट्रोजन अटैच हुआ है, नाइट्रोजन अटैच हुआ, तो आपका 2-हाइड्रोक्सी-डाईइथिल-अमाइन। इसके बाद इसके साथ एसीटोन ऐड करना है हमें, एसीटोन ऐड करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन बचा था तो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O ऐसा बाहर निकल जाएगा, तो हमें मॉइटी मिल जाएगी। तो इसका नाम है 1-एसीटिल मतलब 1 पोजिशन में एसीटिल 3-3-डाईइथिल-अमाइनो-डाईइथिल-अमाइनो-प्रोपेन मतलब
तीन कार्बन, इसलिए 1 2 3, इसलिए इसे प्रोपेन कहते हैं। तो उसका एसीटोनाइट करने के बाद, और इसके बाद हमें रिडक्शन करना है निकल और NaCl ऐड करने के बाद, तो हमें हमारा जो सेकंड स्टेप में मिलना था वो मिल जाएगा, 1 1 डाइथिल अमाइनो 4 अमाइनो पेंटेन हमें ये मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेप्स में हमें क्या करना है आपको याद होगा, कंडेंसेशन करना है स्टेप्स 1 और स्टेप्स 2 का। तो चलिए देखिए, 4 4 7 डाइक्लोरोक्विनोलिन आपका फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था, और सेकंड स्टेप में आपका फॉर्म हुआ है 1 डाइथिल अमाइनो 4 अमाइनो पेंटेन। तो ऐड होने के बाद यहाँ का एक H और यहाँ का Cl ऐसा बाहर निकल जाता है, HCl। देखिए HCl निगेटिव मतलब बाहर निकल गया, और हमें हमारा क्लोरोपिन ड्रग मिल गया। सिंपली ये जो नाइट्रोजन NH ग्रुप है यहाँ अटैच हो जाता है, हमें क्लोरोपिन हमारा ड्रग मिल जाता है। इसके बाद भी है, इसके बाद H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्लोरोकिन सल्फेट मिल जाता है, मतलब हमें सल्फेट आपका जो सल्फेट भी मिल जाता है। और ये होने के बाद हमें इसके साथ क्लोरोकिन के साथ हम ट्वाइस ऑफ H3PO4 ऐड करते हैं, तो हमें क्लोरोकिन फॉस्फेट मिल जाता है। तो इसका फुल सिंथेसिस ऑफ क्लोरोकिन। तो होने के बाद इसका यूजेज भी देख लेते हैं। इट इज़ मेनली यूज एज एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में यूज होता है। क्लोरोकिन अल्सो हैज़ एंटी स्टामिनिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी दिखाता है। एंटी स्टामिनिक ड्रग आपने पढ़ा होगा, और जो मेडिसिन केमिस्ट्री सेकंड ईयर में आपका हो चुका है, एंटी स्टामिनिक और एंटी इन्फ्लामेटरी भी आपका हो चुका है। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द हीपेटिक एम्बोसिस। हीपेटिक मतलब लीवर के बारे में जो ट्रीटमेंट भी यूज हो सकता है, और रूमेटाइड आर्थराइटिस भी यूज़ हो सकता है, और डिस्कोड ल्यूपिस एरिथ्रोमोटस में भी यूज़ हो सकता है, और क्यूटेनिया टार्ड में भी इट इज़ यूज ऑल्सो। सोलर यूरिकेरिया मतलब स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें भी यूज़ हो सकता है। पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन में भी ये यूज़ हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट रेटिनोपैथी, इमोलाइसिस इन पेशेंट विथ ग्लूकोज डिफिशियंसी। इमोलाइसिस है जिस पेशेंट को विथ ग्लूकोज की डिफिशियंसी है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। मस्कुलर वीकनेस भी हो सकता है इसमें से।